स्थित बाबा बांसीवाला वृद्ध आश्रम और साक्षी बालकुंज आश्रम पहुंचे। इस दौरान उन्होंने बुजुर्गों और बच्चों के साथ दीपावली का पर्व मनाया। इस मौके पर उन्होंने बुजुर्ग और बच्चों को मिठाई खिलाई, साथ ही उन्होंने बुजुर्ग बच्चों को शॉल, फलों की टोकरी और मिठाइयां भी वितरित की। मुख्यमंत्री ने इस मौके पर बुजुर्गों को संबोधित करते हुए कहा कि मैं आपका आशीर्वाद लेने के लिए आया हूँ, आप लोगों के बीच आकर के मुझे बेहद खुशी हुई है। इस मौके पर बुजुर्गों से यहाँ पर उनके रहने खाने के साथ साथ व्यवस्थाओं की जानकारी भी उन्होंने हासिल की। इस दौरान मुख्यमंत्री के समक्ष कुछ वृद्धजनों ने बुढ़ापा पेंशन लगवाने, आयुष्मान कार्ड बनवाने के बारे में आग्रह किया। मुख्यमंत्री ने मौके पर उपस्थित उपायुक्त को तुरंत पेंशन और आयुष्मान कार्ड बनाने संबंधित कार्रवाई और बुजुर्गों की समस्या को हल करने का निर्देश दिया। तो सीएम सैनी, आपको बता दें कि आज दीपावली पर वृद्धाश्रम पहुंचे थे, जहां पर वृद्धाश्रम में उन्होंने आज बुजुर्गों के साथ मुलाकात की, उनके बीच जाकर के सीएम ने ये दिवाली मनाई है। बुजुर्गों से वृद्धाश्रम की व्यवस्थाओं के बारे में भी जाना है। सीएम ने वहां पर उनको जो सुविधाएं उपलब्ध हो रही उसके बारे में भी बातचीत की है। इस दौरान हालांकि कुछ बुजुर्गों ने सीएम के सामने वृद्धावस्था पेंशन या फिर आयुष्मान कार्ड जैसी बातों को रखा कि उनके कार्ड नहीं बने हैं या उनको वृद्धावस्था पेंशन अभी तक नहीं मिल पाई है। इसको लेकर के सीएम ने तत्काल वहां पर मौजूद अधिकारियों को निर्देशित किया कि इन बुजुर्गों की जो भी समस्याएं हैं उनका समाधान किया जाए। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी